बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर्स, कैसे हैं बेटा? मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। बेटे अपनी उर्दू की बुक खोलें। हमने क्या पढ़ा था? सबक नंबर 7 योम दिफा, इसकी रीडिंग की थी। अब इसके बाद है इसकी एक्सरसाइज, ठीक है। मश्क में है सवालात के मुख्तसर जवाब दें। हमने उसके अल्फाज मायने किए, पहले अल्फाज मायने किए, उसके बाद हमने जुमले बनाए इसके, ठीक है, जो मुश्किल अल्फाज थे जो दिए हुए थे। अब हमने क्या करना है कि इसके मश्की सवालात करने हैं। डेट क्या है आज? 17 जून 2020। जमात का काम आगे है बुध। ऐसे ही आपने मार्जिन लाइन लगानी है, पेज रेडी करना है जैसे स्कूल में करते थे, ठीक है। आपने लिखना है उनवान। उनवान क्या है? योम दिफा, सवालात के मुख्तसर जवाब दें। अलिफ है योम दिफा क्यों मनाया जाता है? जवाब, 6 सितंबर 1965 की एक अंधेरी रात में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, लेकिन पाकिस्तान की बहादुर फौज ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। योम दिफा पाकिस्तानी फौज के इस कारनामे की याद ताज़ा करने के लिए मनाया जाता है, ठीक है। आगे है सवाल बे, लाहौर में योम दिफा की तकरीब कहाँ मुनक्कद होती है? जवाब है इसका, लाहौर में योम दिफा की तकरीब फोर्ट्रेस स्टेडियम में मुनक्कद की जाती है। अगला है दाल, फिज़ा किस चीज़ से गूंज रही थी? जवाब है लाउड स्पीकर पर नशर होने वाले तरानों से फिज़ा गूंज रही थी। चलो बेटा, आज के लिए हमारे ये 3 क्वेश्चन हैं और उनके आंसर आपने इसी तरह जैसे मैंने आपको बताए हैं अच्छे से लर्न करना है। इसको अपनी कॉपी पे लिखना है और इसको याद करना है। कम से कम इसको 3 दफ़ा आपने इसको इसकी दोहराई करनी है और इसको फिर अपनी कॉपी पे लिखना है, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।